कहता है चल उनसे मिल, रुकते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल उनको कहीं समझाता है, हम दिल को कहीं समझाते हैं। थैंक यू लॉट्स ऑफ थैंक। आइए हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में। सेमीकंडक्टर डिवाइस लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्सन और बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्सन। तो इस पर बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर लॉजिक गेट भी पढ़ा दीजिए, इसलिए आज हम लोग लॉजिक गेट देखते हैं। योद्धा डिफेंस के तरफ, योद्धा डिफेंस पटना के तरफ से सेमीकंडक्टर डिवाइस में लॉजिक गेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉजिक गेट से जनरली प्रश्न रहता है, इसलिए उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लॉजिक गेट का सर्किट में एप्लीकेशन क्या है? जिस तरह से हम लोग घर में दरवाज़ा लगाते हैं तो पाथ क्या हो जाता है, छोटा, उसी प्रकार किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर लॉजिक गेट का एप्लीकेशन करते हैं तो उसके पाथ को, सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो मेन मकसद यही है, जिस समय हम लोग का कंप्यूटर बना था उसमें कंप्यूटर का शेप एक कमरे के बराबर था। आज इस गेट के मदद से, इस लॉजिक गेट के मदद से उसी सर्किट को हम लोग क्या कर दिए, मिनिमाइज कर दिए। तो सर्किट को जब भी मिनिमाइज करना होता है, छोटा करना होता है, तो हम लोग लॉजिक गेट का एप्लीकेशन करते हैं सर्किट में। तो बेसिक गेट बेसिकली तीन है, वह कौन कौन सा है? बेसिक गेट तीन है, पहला और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं और गेट के बारे में। और गेट देखा जाए, ये बेसिक गेट तीन है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो सबसे पहले देखा जाए कि और गेट क्या है। और गेट का सिंबल पूछता है, इसका संकेत, कि और गेट का सिंबल कैसा होता है। तो और गेट का जो सिंबल है वह बेसिकली इस तरह से होता है। ये और गेट का सिंबल है, इसमें इनपुट की संख्या मिनिमम दो होता है, मैक्सिमम दो से जितना भी अधिक कर सकते हैं। तो आपका ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट को बताता है। तो इनपुट सपोज हम लोग डाल रहे हैं ए बी, तो आउटपुट जो मिलता है वह ए प्लस बी मिलता है। तो अगर बात करें कि और गेट का सिंबल कैसा होगा, तो ये और गेट का सिंबल हो गया। और गेट में इनपुट की संख्या कम से कम दो और अधिक से अधिक दो से जितना भी अधिक हो सकता है, और आउटपुट जो है वह एक होगा। जैसे अगर मान लिया जाए इनपुट डाले ए बी, तो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। अगर इनपुट डाले ए बी सी, तो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर इनपुट डाले ए बी सी डी, तो आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इट मीन्स जो भी इनपुट डालेंगे उसका क्या मिलेगा, सम। तो अगर और गेट का सिंबल की बात करें तो ये हो गया, और ये और गेट का क्या हो गया, बुलियन व्यंजक, दैट इज बुलियन एक्सप्रेशन। अब अगर बात किया जाए आपका सत्यता सारणी इसका, कि और गेट का सत्यता सारणी कैसा होगा, दैट इज ट्रूथ टेबल कैसा होगा, ट्रूथ टेबल। तो ध्यान दिया जाए इसका, अगर ट्रूथ टेबल की बात करें, इधर हो गया इनपुट और इधर हो गया इसका आउटपुट। सपोज इनपुट हम लोग डाल रहे हैं ए बी,
तो आउटपुट जो हो जाएगा वह ए प्लस बी हो जाएगा। सपोज इनपुट हम लोग डाल रहे हैं, चूंकि हम लोग बताए हैं कि आपका जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस में वह केवल और केवल बाइनरी नंबर को रीड करता है। इसमें जब भी इनपुट डालेंगे तो वह क्या डालेंगे हम लोग, बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर कौन है, जीरो और वन। बाइनरी नंबर दो ही होता है, वह है जीरो और वन। और जीरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जीरो का मतलब क्या समझता है, ऑफ। और वन का मतलब क्या समझता है, ऑन। तो आपका जब भी इनपुट डालेंगे तो बाइनरी नंबर डालेंगे, और बाइनरी नंबर वह क्या होगा, जीरो और वन। जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। तो अब देखा जाए यहाँ पर हम लोग इनपुट डाल रहे हैं जीरो जीरो, तो जीरो प्लस आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो प्लस जीरो। जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। इनपुट अगर डाल रहे हैं जीरो वन, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन दैट इज वन। सपोज इनपुट डाल रहे हैं वन जीरो, तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन प्लस जीरो। वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, वन। सपोज इनपुट डाल रहे हैं हम लोग वन वन, अब बात है कि इसका सम क्या मिलेगा, तो वन प्लस वन कितना होता है, टू। और टू का बाइनरी जो होता है वह वन और जीरो होता है, तो टू का बाइनरी वन जीरो हुआ। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या तो ऑन को रीड करेगा या तो ऑफ को रीड करेगा, दोनों एक साथ तो रीड कर नहीं सकता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जीरो वन जीरो को रीड करता है क्या, वन, दैट इज ऑन रीड करता है। तो ऑन रीड करता है तो किसको रीड करेगा, वन को। इट मीन्स वन प्लस वन कितना हुआ, टू, और टू का बाइनरी हुआ वन जीरो, और वन जीरो में से रीड किसको करता है, केवल वन को। तो अब देखा जाए आपका रीड करता है ऑन को, तो ऑन का मतलब कितना हुआ, वन। अब इसका अगर बात किया जाए सर्किट डायग्राम का, सर्किट डायग्राम देखा जाए, सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ दोनों ऑफ है तो ऑफ, दोनों में से एक भी ऑन है तो ऑन। तो यहाँ देखा जाए हम लोग एक बैटरी डाल रहे हैं, उसके बाद आपका इनपुट के लिए यहाँ दो स्विच लगा रहे हैं, एक स्विच ये है ए और दूसरा स्विच है आपका बी। एक स्विच है ए और दूसरा स्विच है आपका बी। तो देखा जाए आपका ये हो गया ए और दूसरा स्विच हो गया आपका बी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आउटपुट को चेक करने के लिए यहाँ पर एक बल्ब लगा रहे हैं, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया जाए आउटपुट को चेक करने के लिए। अब ये आपका ए है और ये आपका बी है। सपोज चेक किया जाए, ये आउटपुट बताएगा, ये आपका इनपुट को बताएगा। ए और बी दोनों जीरो जीरो है, ए भी जीरो है, बी भी जीरो है। जीरो का मतलब क्या बताए, ऑफ। तो अगर ए भी ऑफ रहे और बी भी ऑफ रहे, क्योंकि जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन, यहाँ ए और बी दोनों जीरो है, इसका मतलब हुआ कि ए और बी दोनों ऑफ रहेगा। जब ए और बी दोनों ऑफ रहेगा, ये दोनों स्विच ऑफ रहेगा, तो ऐसे स्थिति में बल्ब जो है आपका ऑफ मिलेगा, क्योंकि करंट का फ्लो आपका इधर से भी नहीं होगा, करंट का फ्लो इधर से भी नहीं रहेगा। तो इट मीन्स बल्ब क्या मिलेगा आपका, ऑफ। इट मीन्स आउटपुट ऑफ मिल रहा है। अगर ए ऑफ रहे और बी ऑन रहे, ए अगर ऑफ रहेगा बी ऑन रहेगा, तो बी जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका करंट का फ्लो इधर से होगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इट मीन्स ग्लो कर जाएगा। इट मीन्स आउटपुट क्या मिलेगा आपका, ऑन। अगर ए ऑन रहे और बी ऑफ रहे, ए अगर ऑन रहेगा बी ऑफ रहेगा, ये जैसे ही ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो इधर से होगा, आपका बल्ब ये क्या मिलेगा, जल जाएगा। इट मीन्स बल्ब ग्लो करेगा। इट मीन्स आपका आउटपुट क्या मिला, ऑन। अगर ए और बी दोनों ऑन रहे, अगर ए और बी दोनों ऑन कर दिया तो करंट का फ्लो इधर से भी होगा, करंट का फ्लो इधर से भी होगा, तो ये बल्ब क्या मिलेगा आपका, ऑन मिलेगा। इट मीन्स आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन। तो आउटपुट क्या है, ऑन। तो ये आपका प्रश्न इसमें किस प्रकार उठाएगा सो ध्यान दिया जाए। एक तो प्रश्न रहेगा कि ये सिंबल दे देगा, कहेगा ये सिंबल किस गेट का है, और गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का, नॉर गेट का, तो आप क्या बताएंगे, और गेट का। दूसरा प्रश्न रहेगा कि ये बुलियन व्यंजक आपको दे देगा वाई बराबर ए प्लस बी। प्रश्न रहेगा कि बताइए वाई बराबर ए प्लस बी यह किस गेट का बुलियन व्यंजक है,
और गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का, नॉर गेट का, तो आप कह सकते हैं और गेट का। दूसरा आपका ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ रहेगा, 00 बराबर 0, 011, 101, 111। अब ये जब दिया हुआ रहेगा ट्रूथ टेबल और पूछेगा कि यह किस लॉजिक गेट का सत्यता सारणी है, तो आप कह सकते हैं और गेट का। या कभी कभी ये सर्किट डायग्राम दे देगा और यह पूछ सकता है कि यह सर्किट डायग्राम किस गेट का है, या इसका उल्टा भी कन्वर्सन भी पूछ सकता है कि और गेट का सिंबल कौन सा होगा। चार सिंबल दिया हुआ रहेगा, उसमें से सेलेक्ट करना है, तो और गेट का सिंबल इस तरह से, और गेट का सत्यता सारणी उनमें से कौन सा होगा, तो और गेट का सत्यता सारणी ये होगा, और गेट का सर्किट डायग्राम कौन सा होगा, तो ये होगा। उसके बाद देखा जाए हम लोग एंड गेट की बात करते हैं, एंड गेट का सिंबल हो गया, इसमें भी इनपुट की संख्या दो या दो से अधिक हो सकता है और आउटपुट की संख्या एक होता है। तो सपोज इनपुट हम लोग डाल रहे हैं ए बी, तो आउटपुट जो मिलेगा वह ए इंटू बी मिलेगा। अगर सपोज इनपुट डालते ए बी सी तो आउटपुट मिलता ए इंटू बी इंटू सी। सपोज इनपुट डालते हम लोग ए बी सी डी तो आउटपुट मिलता ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो ये एंड गेट का सिंबल हो गया और ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। इसमें इनपुट की संख्या दो या दो से अधिक हो सकता है और आउटपुट की संख्या केवल एक होगा। अब देखा जाए एंड गेट का सत्यता सारणी की बात किया जाए, एंड गेट का अगर बात करें हम लोग ट्रूथ टेबल का, ट्रूथ टेबल की अगर बात किया जाए तो देखा जाए एंड गेट का ट्रूथ टेबल, इधर हो गया इनपुट और इधर हो गया आपका आउटपुट। इसका इनपुट हम लोग डाल रहे हैं ए बी, तो आउटपुट मिल रहा है ए इंटू बी। सपोज क्योंकि हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो रीड करता है केवल और केवल बाइनरी नंबर को, इसलिए जब भी इनपुट डालेंगे तो बाइनरी नंबर डालेंगे। तो इनपुट डाल रहे हैं हम लोग 00, तो आउटपुट मिल रहा है 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 कितना हो गया 0। सपोज इनपुट डाल रहे हैं हम लोग 01, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 इंटू 1 0। सपोज इनपुट डाल रहे हैं 10, तो आउटपुट मिलेगा 1 इंटू 0, दैट मीन्स 0। अगर सपोज इनपुट डाल रहे हैं 11, तो आउटपुट मिलेगा 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 1। अब अगर बात किया जाए आपका इसका सर्किट डायग्राम, तो आपका एंड गेट में देख रहे हैं हम लोग कि अगर दोनों ऑफ है तो ऑफ, दोनों में से एक भी अगर ऑफ है तो ऑफ, अगर दोनों ऑन है तो ऑन है। तो इसका देखा जाए सर्किट डायग्राम, यहाँ पर एक बैटरी डाल दिया जाए और ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका बल्ब हो गया आउटपुट चेक करने के लिए। अब सपोज देखा जाए ये ए हो गया और ये बी है, अगर ए और बी यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ऑफ है, तो ए और बी अगर दोनों ऑफ रहेगा तो आउटपुट जो मिलेगा हम लोग को वह क्या होगा, ऑफ रहेगा, तो आउटपुट मेरा ऑफ है। अगर ए ऑफ है बी ऑन है, ए ऑफ रहे बी ऑन कर दीजिए, तो जैसे ही ए ऑफ रहेगा तो यहाँ से तो करंट का फ्लो नहीं होगा, जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये बल्ब क्या मिलेगा मेरा, ऑफ। तो हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट क्या है, ऑफ। अगर ए ऑन रहे बी ऑफ रहे, ए को ऑन कर दीजिए बी ऑफ कर दीजिए, बी ऑफ रहेगा तो करंट का फ्लो यहाँ से नहीं होगा, तो मेरा बल्ब जो है वह क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, इट मीन्स आउटपुट मेरा क्या मिल रहा है, ऑफ। अगर ए और बी दोनों ऑन रहे, चूंकि 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ, तो यहाँ ए भी ऑन है और बी भी ऑन है, तो अगर ए और बी दोनों को ऑन कर देंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इट मीन्स आउटपुट क्या मिलेगा मेरा, ऑन। अब बात करते हैं इस पर प्रश्न का, तो आपका पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि एंड गेट का सिंबल कैसा होगा, तो ये एंड गेट का सिंबल हो गया। दूसरा पूछेगा कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक कह सकते हैं ए इंटू बी। आपका एंड गेट का सत्यता सारणी कैसा होगा, तो एंड गेट का ये सत्यता सारणी हो गया। एंड गेट का सर्किट डायग्राम कैसा होगा, तो ऐसा होगा। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है
कि आपका एंड गेट का सिंबल कैसा होता है। चार सिंबल दिया हुआ रहेगा, उसमें सिलेक्ट करना है कि एंड गेट का सिंबल कैसा होता है। ये सिंबल सिलेक्ट करेंगे, कहेगा एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होगा, तो ये ट्रूथ टेबल को सिलेक्ट करना है। ये प्रश्न जनरली इस तरह का रहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग नॉट गेट का। तीसरा देखा जाए नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट देखा जाए। नॉट गेट का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंबल का, संकेत का। तो नॉट गेट का जो सिंबल होगा वह इस प्रकार होगा, ये आपका नॉट गेट का सिंबल है। इसमें इनपुट की संख्या एक होती है और आउटपुट की भी संख्या एक होती है। अब सपोज इनपुट डाल रहे हैं ए, तो आउटपुट जो मिलेगा वह इनपुट का कंप्लीमेंट। हम लोग इनपुट डाले हैं ए, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, ए का कंप्लीमेंट। तो अगर बात करें हम लोग नॉट गेट का सिंबल का, तो ये नॉट गेट का सिंबल हो गया, संकेत हो गया, और ये जो है नॉट गेट का बुलियन व्यंजक हो गया, दैट इज बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर नॉट गेट का अगर सत्यता सारणी की बात किया जाए, दैट इज ट्रूथ टेबल की बात किया जाए, ट्रूथ टेबल, तो आपका नॉट गेट का ट्रूथ टेबल देखा जाए, इधर आपका इनपुट हो गया और इधर आउटपुट हो गया, इधर आपका आउटपुट है। ये सपोज इनपुट डाल रहे हैं हम लोग ए, तो आउटपुट जो मिलेगा वह ए का कंप्लीमेंट। सपोज आपका ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जब भी रीड करता है तो वह आपका बाइनरी नंबर को रीड करता है, इसलिए जब भी इनपुट डालेंगे तो बाइनरी नंबर डालेंगे। सपोज इनपुट डाल रहे हैं हम लोग जीरो, तो आउटपुट जो मिलेगा जीरो का कंप्लीमेंट। तो आपका बाइनरी नंबर दो ही होता है, जीरो और वन, तो जीरो का कंप्लीमेंट वन और वन का कंप्लीमेंट जीरो, क्योंकि जीरो और वन दो डिजिट है बाइनरी नंबर, तो जीरो का कंप्लीमेंट कौन होता है वन, और वन का कंप्लीमेंट कौन होगा आपका जीरो। तो ध्यान दिया जाए, सपोज इनपुट डाले हम लोग जीरो, तो जीरो का कंप्लीमेंट हो गया वन। सपोज इनपुट डाल रहे हम लोग वन, तो वन का कंप्लीमेंट क्या मिलेगा हम लोग को, जीरो। अब अगर बात किया जाए ट्रूथ टेबल के बाद, अगर हम लोग बात करें सर्किट डायग्राम का, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम की अगर बात किया जाए, तो सर्किट डायग्राम देखेंगे यहाँ पर हम लोग। आपका अगर ए ऑफ है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑन। अगर इनपुट ऑन है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑफ। तो देखा जाए ये आपका एक बैटरी हो गया, और यहाँ पर आपका ए है जो इनपुट का काम करेगा, आउटपुट को चेक करने के लिए एक बल्ब लगा दिया जाए यहाँ पर, ये आपका एक बल्ब है। तो सपोज ए क्या है आपका, ऑफ। जब ए ऑफ रहेगा तो इधर से करंट का फ्लो होगा, तो आपका ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब ग्लो करेगा। इट मीन्स आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑन, तो आउटपुट ऑन है। अगर ए जो है वन है, इनपुट क्या है वन, वन का मतलब ऑन, तो अगर ए ऑन रहेगा तो आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑफ। तो देखिए ए को ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन कीजिएगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। जैसे ही वायर शॉर्ट करेगा तो ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ऑफ, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। जब दोनों को जैसे ही इसको ए को ऑन करेंगे तो ये कनेक्ट हो गया। जब वायर का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा तो ये वायर शॉर्ट करेगा, और जैसे ही वायर शॉर्ट करेगा तो ये बल्ब क्या मिलेगा हम लोग को, ऑफ। इट मीन्स आउटपुट हम लोग का क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है। तो ये अगर पूछा जाए इससे प्रश्न कैसा रहेगा, तो पहला प्रश्न रहेगा कि नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, तो ये नॉट गेट का सिंबल हो गया। कहेगा नॉट गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपका जो इनपुट रहेगा उसका कंप्लीमेंट। अब दूसरा प्रश्न रहेगा कि आपका नॉट गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होता है, तो ये दूसरा। आपका नॉट गेट का सर्किट डायग्राम कैसा होगा, तो ये। अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट की बात किया जाए, देखा जाए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक गेट के बारे में, तो ये बेसिक गेट तीन है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में।
यूनिवर्सल गेट देखा जाए, जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिनको पढ़ने की पूरा इच्छा है कि पूरा फिजिक्स पढ़ें पीएट हॉट ट्रिक्स के द्वारा, एमएट कॉन्सेप्ट के द्वारा, वो योद्धा डिफेंस में वेलकम है, योद्धा डिफेंस पटना। या जो बच्चे घर पर रह कर के पढ़ना चाहते हैं वो हमारे दिए गए यूट्यूब पर जितना भी आपका वीडियोस है उसको कलेक्ट करके एक जगह डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावे हम लोग लगभग बहुत सारे वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, जैसे अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के समय हम लोग और बहुत सारा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो अपलोड करेंगे आपको उसका क्वेश्चन का डिस्कशन का। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे टेस्ट का विद इन वन डेज तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उससे क्या है उसको अपने भाई को अपने फ्रेंड्स को ताकि उसको भी फायदा मिल सके और उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं। पूरे इंडिया में ये आपका फिजिक्स मैथ डिफेंस के लिए सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट, इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए पढ़ना ना भूलें, टेस्ट का डिस्कशन देखना ना भूलें, इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट, हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि ये तो बेसिक गेट था। अब आगे बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में। यूनिवर्सल गेट बेसिकली दो हैं। यूनिवर्सल गेट पहला जो है आपका, यूनिवर्सल गेट दो हैं, पहला है आपका नॉर गेट, नॉर गेट, और दूसरा है आपका नैंड गेट, नैंड गेट। तो नॉर गेट की अगर बात किया जाए तो ये यूनिवर्सल गेट जो होते हैं वो बेसिक गेट के मिलने से बनता है। तो आपका नॉर गेट की अगर बात किया जाए, सबसे पहले नॉर गेट की बात किया जाए, ये नॉर गेट जो है दो बेसिक गेट के मिलने से बना है, नॉट प्लस और। नॉर का मतलब ही होता है नॉट प्लस और, तो ये आपका नॉट हुआ और ये और हुआ। नॉट और को अगर मिला दिया जाए दोनों गेट को तो आपका कौन सा गेट मिलेगा, नॉर गेट। ये भी क्वेश्चन एक पूछता है, पूछ सकता है कि नॉर गेट किस किस बेसिक गेट के मिलने से बनता है। तो आप कह सकते हैं कि नॉट गेट और गेट को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा गेट प्राप्त होगा, नॉर गेट। अब इसके अगर सिंबल की बात किया जाए, इसका संकेत की बात किया जाए, इसका हम लोग सिंबल की बात करते हैं, तो आपका दोनों गेट को मिलाना होगा, दोनों गेट के सिंबल को मिलाना होगा, और गेट के भी सिंबल को मिलाना होगा और नॉट गेट के भी सिंबल को मिलाना होगा। तो देखा जाए और गेट का सिंबल अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, ये आपका और गेट का सिंबल है, ये हुआ और गेट का सिंबल। अब इसमें साथ साथ क्या जोड़ दिया जाए, नॉट गेट। तो आपको बताया कि और गेट में इनपुट की संख्या दो या दो से अधिक हो सकता है। अब ये आपका ये और गेट हुआ और साथ साथ क्या बनाना है, नॉट गेट, क्योंकि और गेट और नॉट गेट के मिलने से बनता है। तो आपका साथ में नॉट गेट बना दिया जाए, ये आपका नॉट गेट हो गया, ये नॉट हो गया। तो और नॉट को मिला देंगे इस दोनों को तो कौन सा गेट बन जाएगा, नॉर गेट। अब इसका बुलियन व्यंजक लिखने का प्रयास करते हैं, ये आपका इनपुट इसमें कम से कम दो हो सकता है, मैक्सिमम और गेट में दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो आपका इनपुट डाले ए बी, तो और गेट का आउटपुट क्या मिलता है, ए प्लस बी। अब आपका ये नॉट गेट है, इसका इनपुट डाले ए बी तो आउटपुट क्या मिलेगा, नॉट गेट में क्या होता है जो इनपुट डालते हैं उसका कंप्लीमेंट, तो आपका इनपुट डाले ए प्लस बी तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। अब ये दोनों को कंबाइन करके फाइनल सिंबल बना दिया जाए तो नॉर गेट का जो फाइनल सिंबल होगा वह नॉर गेट का फाइनल सिंबल देखा जाए। अगर बात करें नॉर गेट का फाइनल सिंबल तो ये आपका और गेट है और नॉट के बदले जो है केवल ये देते हैं, ये हो गया नॉट गेट का सिंबल। इसमें इनपुट दो या दो से अधिक और आउटपुट कितना होगा, एक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर गेट का सिंबल कैसा होगा तो ये होगा।
अब इसका अगर बुलियन व्यंजक की बात करें, इनपुट डाल रहे हैं ए बी, तो आउटपुट जो मिल रहा है वह जो इनपुट डाल रहे हैं ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट, तो ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि नॉर गेट का सिंबल कैसा होगा, तो ये सिंबल हो गया। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट। अब इसका अगर बात किया जाए सत्यता सारणी का, ट्रूथ टेबल की बात किया जाए सत्यता सारणी, तो देखा जाए ट्रूथ टेबल कैसा होगा। ये आपका इधर हो गया इनपुट, इधर हो गया आउटपुट। सपोज इनपुट डाल रहे हैं हम लोग ए बी, इनपुट डाल रहे हैं ए बी, तो आउटपुट जो मिलेगा वह ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट। क्योंकि अभी हमने देखा इनपुट डाले ए बी, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट। अब ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस केवल और केवल बाइनरी नंबर को रीड करता है, इसलिए जब भी इनपुट हम लोग डालेंगे तो बाइनरी नंबर डालेंगे। तो बाइनरी नंबर सपोज डाल रहे हैं 00, तो अगर इनपुट डाल रहे हैं 00 तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0+0 का कम्प्लीमेंट। तो 0+0 क्या हो गया, 0, और 0 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। अगेन हम लोग अगर बात करें इनपुट डाल रहे हैं 01, तो 0+1 1 हो गया, और 1 का कम्प्लीमेंट क्या होता है, 0। अगेन हम लोग इनपुट डाल रहे हैं 10, तो 1+0 क्या हो जाएगा, 1, 1+0 क्या हो गया, 1, और 1 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगेन हम लोग अगर सपोज इनपुट डाल रहे हैं 11, इनपुट अगर डाला जाए 11, तो 1+1 कितना हो गया, आपको अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि 1+1 2 होता है, और 2 का बाइनरी होता है 10। तो 1 और 0 तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक साथ ऑन और ऑफ को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ, तो ऑन और ऑफ दोनों एक साथ रीड नहीं कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो रीड क्या करता है, ऑन को, तो ऑन का मतलब क्या हो गया, 1। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम का। सर्किट डायग्राम देखा जाए, सर्किट डायग्राम की अगर बात करें हम लोग, तो अगर दोनों ऑफ है तो ऑन, अगर दोनों में से एक भी ऑन है तो आपका क्या है, ऑफ, अगर दोनों ऑन है तब क्या है, ऑन है। तो देखा जाए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर दोनों ऑन रहेगा तब ऑन होगा, जैसे 1+1 हो गया 1, और 1 का कम्प्लीमेंट यहाँ देखना होगा एक, ओके। जैसे आपका 1+1 हुआ 2, और 2 का बाइनरी क्या होता है, 2 का बाइनरी 10, तो 10 में से रीड किसको करता है, 1 को, और 1 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। तब अगर दोनों ऑन है तो क्या आउटपुट मिल रहा है, ऑफ, अगर ए ऑन है बी ऑफ है तो क्या मिल रहा है, ऑफ, अगर ए ऑफ है बी ऑन है तो क्या मिल रहा है, ऑफ। इट मीन्स अगर दोनों ऑफ रहेगा तभी ऑन होगा, बाकी एक भी अगर ऑन होगा तो वह क्या होगा, ऑफ। तो देखा जाए इसका सर्किट डायग्राम, तो ये आपका बैटरी हो गया, और ये आपका ए बी हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका बल्ब लगा दिया जाए, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया जाए, यहाँ पर बल्ब लगा दिए। सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए और बी अगर दोनों ऑफ है, ये दोनों ऑफ रहेगा, तो करंट का फ्लो इधर से होगा, बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ग्लो करेगा, इट मीन्स आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन। अगर ए ऑफ है बी ऑन है, तो ए को ऑफ रखिए, बी को ऑन कर दीजिए, बी को ऑन करेंगे तो ये करंट का फ्लो इस वायर में होगा, तो ये वायर क्या कर जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ सर्किट शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, जिसके वजह से करंट का फ्लो इधर नहीं होगा, तो ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ऑफ। अगेन अगर ए ऑन रहे बी ऑफ रहे, ए को ऑन करेंगे बी को ऑफ करेंगे, तो ये करंट का फ्लो इधर जाएगा, तो ये वायर शॉर्ट कर जाएगा, जिसके कारण ये बल्ब आपका क्या मिलेगा, ऑफ, इट मीन्स आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ए और बी दोनों को ऑन कर देंगे, अगेन ये वायर शॉर्ट कर जाएगा, जिसके वजह से ये बल्ब आपका क्या होगा, नहीं जलेगा, नहीं ग्लो करेगा, इट मीन्स आउटपुट क्या मिलेगा, ऑफ। तो प्रश्न अब कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा, सबसे पहला प्रश्न है कि नॉर गेट किस किस बेसिक गेट के मिलने से बनता है, तो आप कह सकते हैं नॉट गेट और गेट के मिलने से बनता है।
दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि नॉर गेट का सिंबल कैसा होता है, तो नॉर गेट का फाइनल सिंबल ये हो गया। कहेगा नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो बुलियन व्यंजक क्या हो गया, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। दूसरा पूछ सकता है कि नॉर गेट का टूथ टेबल कैसा होगा, सत्यता सारणी कैसा होगा, तो ये टूथ टेबल हो गया नॉर गेट का। कहेगा नॉर गेट का सर्किट डायग्राम कैसा होगा, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। इसी को कभी कभी प्रश्न उलट करके रिवर्स करके दे देगा कि आपका ये सिंबल दिया हुआ रहेगा। कहेगा बताइए कि निम्न दिए गए गेट किस गेट का संकेत है, नॉर गेट का, नैंड गेट का, और गेट का, नॉट गेट का, तो आप कह सकते हैं कि नॉर गेट का सिंबल है। या ये बुलियन व्यंजक दे देगा y इक्वल टू ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। कहेगा किस गेट का बुलियन व्यंजक है, तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी का कंप्लीमेंट है। उसी प्रकार आपका ये सर्किट डायग्राम, ये टूथ टेबल दिया हुआ रहेगा, कह देगा किसका टूथ टेबल है, तो आप कह सकते हैं नॉर गेट का टूथ टेबल है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, दूसरा नैंड गेट की बात किया जाए, वह कौन सा है, नैंड गेट। नैंड गेट, तो नैंड गेट जो है ये दो बेसिक गेट के मिलने से बना है, नॉट प्लस एंड। नैंड का मतलब ये दो बेसिक गेट के मिलने से बना है, नॉट प्लस एंड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नैंड गेट कौन कौन सा गेट के मिलने से, तो नॉट प्लस एंड कह सकते हैं, दैट इज ये नॉट और एंड के मिलने से बना है। नॉट प्लस एंड को मिला दिया जाए तो कौन सा बेसिक गेट बनेगा आपका, नैंड गेट। अब ये नैंड गेट का सिंबल कैसा होगा सो देखा जाए। इसका अगर संकेत की बात किया जाए, सिंबल की बात किया जाए, इसका सिंबल कैसा होता है सो देखेंगे हम लोग। तो आपका एंड और नॉट का सिंबल को मिला दिया जाए, ये एंड गेट का सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है, इसमें इनपुट की संख्या दो या दो से अधिक होती है। अब देखा जाए ये एंड प्लस नॉट, और साथ में नॉट गेट को भी मिला दिया जाए, ये आपका नॉट गेट हो गया। तो अब देखा जाए इसमें इनपुट कौन है आपका, ये ए और बी है, तो इनपुट अगर ए बी डाल रहे हैं तो आउटपुट जो हो जाएगा ए इंटू बी। अब इसका इनपुट ए इंटू बी है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का कंप्लीमेंट। तो आप कह सकते हैं वाई इक्वल टू जो हो जाएगा, चूंकि नॉट गेट का क्या होता है, आउटपुट जो इनपुट डालते हैं उसका कंप्लीमेंट, तो इसका इनपुट क्या है ए इंटू बी, तो इसका आउटपुट जो मिलेगा वह ए इंटू बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब दोनों को कंबाइन करके फाइनल सिंबल बनाया जाए, तो अगर फाइनल सिंबल की हम लोग बात करें तो ये आपका एंड गेट का फाइनल सिंबल हो गया, ये एंड गेट है, और साथ में नॉट लगा दिया जाए तो ये पूरा नैंड गेट हो गया। इसमें इनपुट बताया कि दो या दो से अधिक डालेंगे, और ये आउटपुट कितना होगा, एक। तो आपका इनपुट सपोज डाल रहे हैं हम लोग ए बी, तो आउटपुट जो मिल रहा है वह ए इंटू बी का कंप्लीमेंट। तो अगर नैंड गेट का सिंबल की बात करें तो ये नैंड गेट का सिंबल हो गया, ये नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। अगर इसमें इनपुट डालते आप ए बी सी, तो आउटपुट मिलता है ए इंटू बी इंटू सी। अगर इनपुट डालते ए बी सी डी, तो आउटपुट मिलता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का कंप्लीमेंट, मतलब प्रोडक्ट का, जो इनपुट डालना उसका प्रोडक्ट का कंप्लीमेंट। तो ये नैंड गेट का सिंबल हो गया, ये नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया। अब इसका सत्यता सारणी की बात किया जाए, ट्रूथ टेबल की बात किया जाए, देखा जाए सत्यता सारणी की बात करते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल की बात किया जाए। इसमें इनपुट जो हम लोग डाल रहे हैं, ये इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। सपोज इनपुट डाल रहे हैं ए बी, तो आउटपुट जो मिलेगा वह ए इंटू बी का कंप्लीमेंट। सपोज इनपुट डाल रहे हैं हम लोग जीरो जीरो, तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो इंटू जीरो का कंप्लीमेंट। तो जीरो इंटू जीरो हो गया जीरो, और जीरो का कंप्लीमेंट क्या होता है, वन। उसी प्रकार अगर इनपुट डाल रहे हैं जीरो वन, तो जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन। अगेन इनपुट डाल रहे हैं वन जीरो, तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन इंटू जीरो, तो वन इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो, और जीरो का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन। सपोज इनपुट डाल रहे हैं हम लोग वन वन, तो अगर इनपुट डाल रहे हैं वन वन, तो वन इंटू वन क्या हो गया, वन,
और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका जीरो। अब इसका अगर सपोज बात किया जाए सर्किट डायग्राम की अगर बात किया जाए, सर्किट डायग्राम देखते हैं, अगर दोनों ऑफ है तो ऑन, एक भी ऑफ है तो ऑन, दोनों ऑन है तो ऑफ। तो देखा जाए, ये देखिए यहां पर ध्यान दिया जाए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आउटपुट चेक करने के लिए एक बल्ब लगाया गया है यहाँ, ये बल्ब हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सपोज ए और बी दोनों ऑफ है, तो जब ये ऑफ रहेगा तो वायर शॉर्ट नहीं करेगा, और जब वायर शॉर्ट नहीं करेगा तो करंट का फ्लो इधर करेगा, जिसके कारण बल्ब क्या होगा, जलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन। अगर ए ऑफ है बी ऑन है, ए अगर ऑफ रहे बी ऑन है, तो आपका ये ऑफ रहेगा तब तो वायर से करंट का फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण वायर शॉर्ट नहीं करेगा, जब वायर शॉर्ट नहीं करेगा करंट का इधर फ्लो होगा तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, इट मीन्स आउटपुट क्या मिल रहा है हम लोग को, ऑन। अगेन अगर ए ऑन है बी ऑफ है, ए को ऑन कर दीजिए बी को ऑफ कर दीजिए, तो ए अगर ऑन रहेगा, जैसे ही ये ऑन करेंगे ये ऑफ रहेगा, तो यहाँ से करंट का फ्लो नहीं होगा, जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो वायर जो है शॉर्ट नहीं करेगा, जिसके कारण ये आपका करंट का फ्लो इधर से होकर के बल्ब क्या होगा, जलेगा, ग्लो करेगा, इट मीन्स आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन। अगर ए और बी दोनों ऑन है, जैसे ही दोनों ऑन करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा, तब ये वायर क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इधर करंट का फ्लो होना बंद, जिसके कारण ये बल्ब आपका जलेगा नहीं, तो जब बल्ब जलेगा नहीं तो ये आपका क्या मिलेगा, ऑफ। इट मीन्स आप ये अगर इससे प्रश्न पूछा जाए कि अब प्रश्न कैसा रहेगा, तो सबसे बेसिक प्रश्न तो पूछेगा कि नैन गेट जो है कौन कौन सा बेसिक गेट के मिलने से बनता है, तो नैन गेट दो बेसिक गेट के मिलने से बना है, नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड को मिला दिया जाए तो नैन, और नॉट प्लस और को मिला दिया जाए तो नॉर। अब नैन गेट का कहेगा कि बताइए सिंबल कैसा होगा, तो ये संकेत हो गया नैन गेट का, नैन गेट का ये सिंबल हो गया। कहेगा नैन गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा, तो नैन गेट का ये बुलियन व्यंजक हो गया। नैन गेट का ट्रूथ टेबल कैसा होगा, तो ये नैन गेट का ट्रूथ टेबल हो गया। नैन गेट का सर्किट डायग्राम कैसा होगा, तो नैन गेट का ये सर्किट डायग्राम होगा। या ये सिंबल दे देगा आपको, कह देगा बताइए कौन सा गेट का सिंबल है, तो आप कह सकते हैं नैन गेट का सिंबल होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर लॉजिक गेट से प्रश्न आता है तो आई थिंक सो यू आर कैपेबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन।